नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार के एक जिले की बहुत ही ज़्यादा भयानक डरावनी कहानी। बिहार के एक ज़िले में, एक्चुअली मैं ज़िले का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस ज़िले में यह घटना एक पुलिस स्टेशन के अंदर घटित हुई है। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दिन में कभी भी कुछ भी नहीं होता था, एकदम नॉर्मल था। लोगों का आना जाना, रिपोर्ट लिखाना, जितनी भी कार्रवाई होती थी सब कुछ सही होता था। लेकिन रात के समय यानी 12, 12:30, 1 बजे के समय वहाँ पर जितना लोग काम करते थे या गार्ड वगैरह थे, सारे लोग बोलते थे कि ना किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, किसी औरत की घू घू की आवाज़ आ रही है। मतलब जैसे कि कोई कुहर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। जो आवाज़ें होती थी वह एकदम ही डिफरेंट होती थी, मतलब एकदम ज़्यादा रूह कपा देने वाली डरावनी आवाज़ें होती थी। तो लोग जो वहाँ पे काम करते थे रात में, वे लोग डर के मारे बाहर नहीं देखते थे कि कौन है, क्या है, ये जो आवाज़ है कहाँ से आ रहा है, कुछ भी नहीं देखते थे। जो लोग देखने की साहस करते थे उनकी ना बहुत ही ज़्यादा डर के मारे हालत ख़राब हो जाती थी। तो उस गांव में, उस पुलिस स्टेशन में यह पूरा का पूरा ऐसे हल्ला हो गया कि यहाँ पर एक चुड़ैल आती है रात के 12:30, 1 बजे के आसपास, और वह चुड़ैल पूरा तैरती रहती है, लोगों को तलाश करती रहती है, कुछ कुछ गुनगुनाती है, भुनभुनाती है, और उसकी जो आवाज़ है ना एकदम डिफरेंट है, हम लोग को समझ में नहीं आता। और जितने भी गार्ड थे वहाँ पुलिस स्टेशन में, उन सब ने मना कर दिया वहाँ पे रात में रुकने से, काम करने से। हर रोज़ गार्ड चेंज हो जाता था, मतलब आज किसी और की ड्यूटी तो कल किसी और की ड्यूटी, ऐसा ही चलता रहता था। लेकिन एक दो दिनों के बाद से सारे के सारे गार्ड हाथ खड़े कर लेते थे कि नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और जो अधिकारी होते थे पुलिस स्टेशन के, वे दिन में रहते थे तो उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता था कि रात में ये सब चल रहा है या गार्ड सब झूठ बोल रहे हैं, उनको तो विश्वास ही नहीं होता था। एक दिन एक नया गार्ड रात में रुका और उसको भी यह आवाज़ सुनाई दी, तो उसने सोचा कि कुछ होगा बाहर, कुत्ते भौंक रहे होंगे, चाहे कोई जानवर होगा जो रात में टेटे टेटे कर रहा होगा। उस गार्ड ने इग्नोर मारा और चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर ही रह गया। उसने बाहर ताका झाका कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही था। फिर यही घटना दूसरे दिन घटी, तीसरे दिन घटी, चौथे दिन घटी। फिर उसको ना ऐसे डाउट होने लगा कि अरे रात में ही क्यों होता है, वो भी 1 बजे के बाद ही क्यों होता है, आखिर क्या चीज़ है, मुझे चेक करना चाहिए। जो गार्ड रुका था ना वो थोड़ा सा हिम्मती था, मतलब उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हिम्मत थी। उस गार्ड ने क्या किया कि प्लान किया कि आज रात में जगूंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं उसको देखूंगा। तो गार्ड जगा रहा रात में, जब उसको ना ऐसे भुनभुनाने की आवाज़ सुनाई दी तो वह आवाज़ को कैच करने की कोशिश किया कि किधर से आ रहा है। उसने ना चारों तरफ की खिड़की से देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि जो मेरे सामने वाली खिड़की है ना, उधर से आवाज़ थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी। ऐसा उसको फील हो रहा था ना कि कोई है जो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। तो वह चुपचाप आराम से धीरे से पर्दा हटाया और हटाकर देखा। जब उसने देखा ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने तब महसूस किया कि जितने भी गार्ड यहाँ पे रह चुके हैं और जिन लोगों ने यह सीन देखा है, इसका मतलब यह सचमुच में घटित है। तो उस गार्ड ने जब यह सब कुछ देखा तब वह चुप रहा और चुपचाप उसने अपने पॉकेट से कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। वह बीच बीच में ना ऐसे उसको दिखा रहा था, फिर पर्दा छोड़ दे रहा था ताकि जो सामने चुड़ैल थी ना वह उस अधिकारी को ना देख ले, क्योंकि चुड़ैल देख लेगी तो छोड़ती नहीं उसको। तो उसने क्या किया कि फिर उसको महसूस हुआ कि जो चुड़ैल है ना थोड़ी पीछे जा रही है, मतलब आवाज़ थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो उसने फिर अपना कैमरा खोला और फिर रिकॉर्ड किया। दोस्तों, रिकॉर्डिंग के बाद से वह गार्ड चुपचाप जहां था वहीं दीवार में सटे से बैठ गया और बैठने के बाद से वो जो पूरा का पूरा पसीना में डूब गया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह बस इंतज़ार कर रहा था कि जो चुड़ैल है, जो गुनगुना रही है, वह चली जाए, फिर मैं यहाँ से हिलूँगा। ऐसा ना हो कि वह खिड़की पर बैठी हो, मैं हिलूँ तो वह मुझे पकड़ ले।
क्योंकि अगर कोई इंसान सामने से चुड़ैल को देख लेगा तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। वह बहुत ही कपकपा रहा था, वह काफ़ी समय तक मतलब 1-1.5 घंटा वहीं पे बैठा रहा और कुछ भी शोर वगैरह नहीं किया। जब चुड़ैल चली गई तब वह उठा और उठ के वॉशरूम गया, उसके बाद से अपना हाथ मुंह धोया और उसके बाद से पूरी रात बैठ के इंतज़ार किया कि सुबह होगा अब तो मैं लोगों को यह चीज़ दिखाऊंगा। सुबह होने के बाद से उस गार्ड ने वहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी थे उन सारे अधिकारियों को वह वीडियो क्लिप दिखाया। जब लोगों ने देखा तब लोगों ने माना कि हाँ यह सचमुच में घटित हुई है और चुड़ैल है जो आई है। उस वीडियो में ये था कि एक चुड़ैल बहुत ही दूर से आ रही है और वह हवा में तैर रही है, तैरते हुए वह हवा में खड़ी भी हो गई और खड़ी होने के बाद से चारों तरफ देख रही थी। जब चुड़ैल चारों तरफ देख रही थी ना तो उसकी आंखें ना पूरी की पूरी लाइट कर रही थी। दोस्तों मैं जिस वीडियो क्लिप की बात कर रही हूँ यह वीडियो क्लिप ओरिजिनल में मेरे पास है, बट मैं इस वीडियो में नहीं लगा सकती क्योंकि कुछ यूट्यूब के रूल रेगुलेशन है इसके वजह से। अदरवाइज मैं इसको शेयर कर दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। अभी डाला नहीं है बट 1-2 दिन में डाल दूंगी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि गार्ड ने सबको दिखाया तो वहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर सारे अधिकारियों ने मिल के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए, पूरा पुलिस स्टेशन देखे और पुलिस स्टेशन देखने के बाद से सामने के तरफ पार्किंग के तरफ वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब लाइन से लगी हुई थी। तो पंडित जी ने बताया कि इन गाड़ियों में एक गाड़ी थी जो वाइट कलर की थी, बहुत ही प्यारी थी, मतलब कॉस्टली गाड़ी थी। उसका ना एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने की वजह से सारी चीज़ें टूट फूट गई थी मतलब उस गाड़ी की। तो पंडित जी बोले कि इस गाड़ी का जो इतिहास है वो देखना पड़ेगा कि मतलब कब एक्सीडेंट हुआ था, ऐसी गाड़ी चकनाचूर कैसे हो गया, और जो चुड़ैल आती है वह इसी गाड़ी के ऊपर आती है। जो चुड़ैल थी ना चारों तरफ घूमती है लेकिन बाद में उस गाड़ी के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, फिर बैठती है और कुछ समय बिताकर फिर वह रिटर्न हो जाती है। तो पंडित जी ने अधिकारियों को बोलकर वो जो गाड़ी की फाइल थी ना वो निकलवाया, फिर पढ़ा तो उसमें यह चीज लिखा था कि यह गाड़ी एक्सीडेंट वाली गाड़ी है और इसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर जिस महिला की मौत हुई थी वही महिला चुड़ैल बन गई थी और उसी की जो आत्मा थी ना उस गाड़ी पे आती थी, चारों तरफ घूमती थी। तो पंडित जी ने सलाह दिया कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनको शिफ्ट करवा दो आप लोग, मतलब कहीं और भेज दो, वरना उस चुड़ैल का कोई भी गारंटी नहीं है। अभी तक तो उसने किसी को मारा नहीं है बट उसके सामने कोई आ गया तो वह किसी को छोड़ेगी नहीं। फिर सारे अधिकारियों ने बोला कि कुछ सप्ताह लगेगा, मैं सारा का सारा गाड़ी यहाँ से शिफ्ट करवा देता हूँ, कहीं और भिजवा देता हूँ। तो अधिकारियों ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों के बाद से वहाँ के लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब वह आत्मा वहाँ पर नहीं आती, किसी को नहीं दिखाई देती और वहाँ पर गार्ड मतलब रात में रुकने लगे, आराम से रुकने लगे, कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि जो गाड़ी थी ना उसी पे वो आत्मा आती थी। ऐसा हो सकता है कि उस औरत को, उस चुड़ैल को वह गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, या ऐसा भी हो सकता हो मर जाने के बाद से जो बॉडी होता है ना उस गाड़ी के अंदर ही थी, मतलब उसके अंदर ही थी, इसलिए उसकी आत्मा हो सके तो वहाँ पे कैद हो गई हो, ये भी पॉसिबल है। हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो हवाएं होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होती हैं, उनके पास ना बहुत ही ज़्यादा पावर होते हैं, वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और उनका होना, उनका एहसास दिलाना, उनका परेशान करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो हम लोग उनसे जितना दूर रहें यही हमारे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग इस कहानी के बारे में आज के पहले जानते थे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे इसके बारे में क्योंकि यह स्टोरी ना बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सचमुच में घटित है, तो न्यूज़ वगैरह में भी आ गया था, वीडियो वायरल हो गया था, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग जानते होंगे। खैर, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगी।